हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, ये गेमप्ले वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें उतरते ही भाई हम लोगों को मिल जाती है AWM। तो भाई बहुत दिन से AWM मिली नहीं थी, कोई भी स्नाइपर नहीं मिली थी, इसकी वजह से भाई मज़ा नहीं आ रहा था। तो इस गेमप्ले में भाई हम लोगों को स्नाइपर मिल जाती है, तो भाई उससे बंदों की बहुत ही कुटाई होती है। तो फ़िलहाल के लिए आज तो हम लोग आए हैं रोजॉक, और यहाँ पर भाई उतरते ही हम लोगों को मिल जाती है UMP, तो इससे भी बंदों की कुटाई करते हैं। तो भाई उतरते ही हम लोगों ने एक बंदे को तो नॉक कर दिया था भाई, लेकिन इसके और भी टीममेट होते हैं भाई। ये बंदा मुझको पता नहीं क्यों भाई, इस स्कोप खोलो तो भाई बंदा दिख रहा था, और मारो तो भाई बंदा दिख ही नहीं रहा था। क्या ही भाई ग्लिच था। इसके बाद भाई सामने बहुत पूरी भाई एक एक स्क्वाड आई होती है, और मुझे साइड से भी फुट स्टेप आ रहा था बंदे का। लेकिन भाई ये जब बाहर निकलता है तो भाई पता चलता है ये बोट था। तो भाई इसको भी फिनिश करते हैं। तो हम लोग इसको लूट ही रहे थे, तभी सामने से एक बंदा भाग कर आ रहा था। भाई इसको हम लोग डैमेज करते हैं, लेकिन ये बंदा तो भाई बच जाता है, लेकिन साइड से एक और बंदा आ जाता है, और मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन मेरा टीममेट कहता है भाई इसको पहले फिनिश करो, तो भाई मैं इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद भाई अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए जाता हूँ। तो भाई मैं अपने टीममेट को रिवाइव करके तुरंत इन बंदों पर रश करने वाला था, तभी भाई सामने दो बंदों की फाइट होने लगती है। उसी फाइट का फ़ायदा उठाकर भाई मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था, और उसे फिनिश भी कर दिया था। लेकिन भाई मेरे पास केवल चार चार बुलेट थी भाई दोनों गन से, इसीलिए भाई मैं तुरंत जाकर भाई उस बंदे को पहले लूटता हूँ। पर इसमें से मुझे थोड़ी बहुत एमओ मिल जाती हैं। उसके बाद भाई मैं उस बंदे को ढूंढने लगता हूँ जो भाई इसे मार रहा था, पर वो बंदा सामने वाली घर में होता है भाई। Watch out! तो भाई इसने कूदने की गलती कर दी इसी सामने से, तो भाई इसे काफ़ी गंदा वाला डैमेज करते हैं, और भाई तुरंत ही इस पर रश कर देते हैं, क्योंकि भाई इसकी हेल्थ बहुत ही लो होती है। तो भाई मैं नीचे चेकआउट कर रहा था कहीं पर भाई बंदा नीचे ही ना हो, लेकिन भाई बंदा तो नीचे नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ग्रेनेड मिल जाता है, और ग्रेनेड से इस बंदे को ऐसा उड़ाऊंगा भाई देखो। बूम, ये बंदा भाई फिनिश हो जाता है, और इसे लूटते हैं, देखना भाई इसमें इस बंदे के पास क्या था भाई। इस बंदे के पास भाई वही स्नाइपर थी AWM। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि भाई AWM इसके पास कैसे आ गई इतनी जल्दी, तो भाई अभी बताता हूँ। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा भाई रोजॉक में एक घर ऐसा होता है जहाँ पर भाई एक रूम होता है, और वो एक कार्ड से खुलता है। तो भाई इस बंदे के पास वो कार्ड मिल गया होगा कहीं पर, तो भाई उस बंदे ने भाई यहाँ से AWM उठा ली होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर ड्रॉप का सामान आता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या भाई, एक गन पड़ी रहती है हमेशा ड्रॉप की। तो भाई इसके बाद मुझे सामने से भाई बंदों का साउंड आता है थोड़ा बहुत, भाई मैं तुरंत से बंदों को मारने के लिए जाता हूँ। लेकिन भाई जब पहुंचता हूँ तो पता चलता है भाई ये बोर्ड थे। तो भाई हम लोग इनको भी फिनिश करते हैं। तो भाई हम लोग इनको फिनिश करते हैं, और इनको थोड़ा बहुत लूट करते हैं, उसके बाद भाई तुरंत से बंदों पर रश कर देते हैं।
लेकिन हम लोगों को स्कूल की साइड से थोड़ा बहुत साउंड आता है तो हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ पर सामने एक बंदा था तो भाई हम लोग इसको तो नॉक कर देते हैं, लेकिन भाई इसका टीममेट भी यहीं पर होता है तो भाई ये बंदा तो रिवाइव हो जाता है बाद में। तो भाई यहाँ पर तो भाई एक टीम नहीं भाई दो दो टीमें होती हैं, लेकिन भाई मुझे पीछे से पड़ने लगती है, भाई पीछे से भी एक बंदा आ जाता है तो भाई हम लोग इसको भी चटकाते हैं और इसको फिनिश करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि भाई इसका टीममेट आ जाता और इसको रिवाइव कर देता, इसलिए हम लोग इसको पहले फिनिश करते हैं। तो भाई ये बंदा बार बार मेरी गोली टॉच कर रहा था तो भाई हम लोग इसको फिनिश ही करने वाले थे तभी साइड से एक गाड़ी निकलती है तो भाई इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं। ये दोनों बंदे तो भाई रिवाइव हो गए थे लेकिन मेरे टीममेट ने भाई फ्लेयर गन चलाई थी तो भाई इसको भी लूटते हैं। लेकिन भाई इसमें कुछ खास ऐसा गन नहीं थी तो भाई इसको लूटने के बाद भाई मुझे यहाँ पर बंदों का साउंड आता है भाई, इस बंदे को तो मेरा टीममेट नॉक कर देता है लेकिन एक और बंदा होता है तो भाई इसको हम मार देते हैं और यहाँ पर मेरे 8 किल कंप्लीट हो चुके थे। तो भाई इसके बाद हम लोग दूसरी साइड में जा ही रहे थे तभी मुझे सामने से एक स्क्वाड दिखती है भाई, ये स्क्वाड दूसरी स्क्वाड से फाइट कर रही थी तो इसका ध्यान मुझ पर नहीं गया था। तो गाइस AWM का डैमेज काफ़ी कम हो गया इसीलिए भाई ये लोग बंदे एक गोली में तो नॉक ही नहीं होते हैं भाई, ये पड़ा एक शॉट लेकिन एक गोली में भाई कभी भी बंदे नॉक नहीं होते हैं AWM से। तो भाई इनको समझ में नहीं आता था भाई बंदा मार कहाँ से रहा है क्योंकि भाई ये लोग सामने वाले से फाइट कर रहे थे तभी मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और दूसरे बंदे को भी भाई दो गोली मार चुका था फिर भी वो नहीं नॉक होता है भाई, भाई ये तीसरी गोली भाई, लेकिन वो बंदे तो बच जाते हैं और इसके बाद तुरंत ही हम लोग इस पर रश कर देते हैं। तो भाई ये दोनों बंदे तो रिवाइव हो गए थे लेकिन भाई इसने पता नहीं कैसे मुझे नॉक कर दिया था, लेकिन मेरा टीममेट भी था मेरे साथ में तो भाई तो गाइस मेरा टीममेट इन बंदों को तो फिनिश कर देता है। अबे भाई रिवाइव करते भाई टीममेट, तो गाइस ये मुझको रिवाइव करता है और उसके बाद भाई सामने एक और टीम आ जाती है तो गाइस इस बंदे को मैं देख लेता हूँ और ये भी मुझे भी देख लेता है भाई, और यहाँ पर भाई तगड़ी स्नाइपिंग भाई हम दोनों लोग करते हैं भाई, एक गोली मैं उसको मारता हूँ एक गोली वो मुझको मारता है भाई, हम दोनों की भाई देर तक फाइट चलती है। लेकिन भाई ये बंदा कवर में चला जाता है इसीलिए भाई मैं भी दूर ही चला जाता हूँ तभी भाई मुझे पीछे एक बंदा दिख जाता है भाई, ये काफ़ी कवर में था तो इसको गोली में नहीं पड़ती है भाई, उसके बाद मैं हील ही कर रहा था तभी भाई साइड से एक गाड़ी निकलती है और भाई जोन भी उसी समय पे आ गया था भाई, और भाई मैं प्ले जोन से नॉक हो जाता हूँ और भाई मेरा टीममेट मुझको रिवाइव करने आ रहा था तो मैंने कहा भाई रिवाइव मत कर आगे जा, तो भाई ये भी आगे जा ही रहा था तभी भाई वो गाड़ी वाले बंदे इसको भी मार देते हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और भाई वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।